हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। जैसा कि हम सभी लोग लास्ट क्लास में देखे थे क्लोज पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और क्लोज पैसेज और एग्जैक्टली पैसेज में क्या डिफरेंसेस है, वो सब हमने सीखा था। हमने दो क्लोज पैसेज भी सॉल्व किया था, एक में 1 to 10 क्वेश्चंस थे और एक में 1 to 5 क्वेश्चंस थे, ठीक ना। तो हम लोग चलिए आगे ही कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लोज पैसेज, क्लोज टेस्ट या पैसेज सॉल्व करने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि किसी स्पेसिफिक रूल से आपसे बताया जा सके ये आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये लर्न कर लीजिए तो आपका पैसेज सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आप कन्फ्यूज हैं। आपको समझना होगा कि इसका कोई पैसेज नहीं है, इसका एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस। जैसा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा ही गया है, तो पैसेज और क्लोज पैसेज और टेस्ट, क्लोज टेस्ट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। जितना सारा आप प्रैक्टिस करेंगे, नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या आप पॉसिबल वाले क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिस से ही एक आइडिया मिलेगा कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक और क्लोज पैसेज को सॉल्व करते हैं जिसमें 1 to 10 क्वेश्चंस हैं और इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे 1 by 1 क्वेश्चंस आ रहा है। देखिएगा, पहला है आपका, और आपने जानते हैं कि स्टोरी बेस्ड या कोई बर्निंग पॉइंट्स हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स आ जाते हैं। देखिएगा, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डैश मेक्स फ्रेंडशिप अ स्पेशल। यहाँ तक आप पढ़ेंगे। अब देखिए क्या रहा है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मतलब किसकी उपस्थिति निश्चित रूप से क्या बनाती है, फ्रेंडशिप को स्पेशल बनाती है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है क्वालिटीज, क्वालिफाई, फ्रीक्वेंसीज और डिग्रीज। तो क्या नहीं हो सकता, पहले एलिमिनेशन वाला आइडिया अपनाएंगे। एलिमिनेशन वाला आइडिया को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको पता है कौन सा एलिमिनेट होगा, उससे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो देखिए, फ्रेंडशिप को अप्लाई करने के लिए ये पूरा क्लोज पैसेज किस पे बेस्ड है, फ्रेंडशिप पे बेस्ड है। एक आपको आइडिया मिल गया कि हाँ, यहाँ पे फ्रेंडशिप के लिए बात हो रही है, फ्रेंड्स की बात हो रही है ना। तो आपने यहाँ पे समझ लिया है कि यहाँ पे फ्रेंड बनाने के लिए और फ्रेंडशिप को अप्लाई करने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, सर्टेन क्वालिफाई, तो क्वालिफाई तो एक वर्ब है ना, यहाँ वर्ब की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपको किसी एडजेक्टिव की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसीज मतलब होता है फ्रीक्वेंट, मतलब होता है बार बार, और फ्रीक्वेंसी मतलब बारम्बारता। तो यहाँ पे बारम्बारता की भी बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा फ्रीक्वेंसीज भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्वालिटीज करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मतलब निश्चित गुणों की उपस्थिति क्या बनाती है, मेक्स मतलब बनाती है, किसको बनाती है, फ्रेंडशिप को स्पेशल बनाती है। तो द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मतलब कि निश्चित क्वालिटी की उपस्थिति या अनिवार्यता फ्रेंडशिप को स्पेशल बनाती है। यहाँ तक आपका कंफर्म हुआ, क्वालिटीज इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन देखिए, हार्डशिप, कोर्टशिप, स्कॉलरशिप, रिलेशनशिप। अगर आप यहाँ पे इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे आप कंफर्म कर ले जाएंगे कि यहाँ पे हार्डशिप, स्कॉलरशिप और कोर्टशिप तो हो ही नहीं सकता, रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन यहाँ आप और भी कंफर्म कर लीजिए इसको पढ़ के, स्पेशल यहाँ देखिए फुल स्टॉप लगा है, इसका मीन्स जो भी हमारा जो भी कोरिलेशन है फुल स्टॉप के पहले वाले सेंटेंस से है। तो द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्वालिटीज मेक्स फ्रेंडशिप स्पेशल, रिलेशनशिप मतलब विशेष प्रकार के रिलेशनशिप को क्या बनाती है, फ्रेंडशिप एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाती है। तो हमारा रिलेशनशिप ही सही है। हार्डशिप मतलब होता है कठिन परिश्रम, स्कॉलरशिप मतलब जानते हैं विद्वानों को मिलता है, विद्यार्थियों को मिलता है, कोर्टशिप मतलब होता है दरबारी, दरबार से रिलेटेड है, यहाँ भी इसका कोई भी जिक्र नहीं है, है ना। तो रिलेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हुए, डैश इसके बाद देखिए बी ए वाले में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए, तुरंत आपने एक वर्ड ए लिखा है और उसके एक पहले और एक बाद में डैश है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, एक 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 एन और द एक आर्टिकल होता है, और आर्टिकल आप जानते हैं डेफिनिट होता है, इनडेफिनिट होता है। तो ए आर्टिकल है, ए आपका क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, डैश फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन पढ़िए,
अ ट्रू फ्रेंड या अ ट्रूथ फ्रेंड, अ ट्रूथफुल फ्रेंड और अ ट्रूली फ्रेंड। तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है तो यहाँ आप जानते हैं कि फ्रेंड क्या है। फ्रेंड एक नाउन है और नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव आता है। ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रूथफुल एक एडजेक्टिव तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे ट्रू एक एडजेक्टिव है, तो ट्रू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रूथफुल मतलब होता है सच्चाई से भरा हुआ, है ना, सच्चा। ट्रूली आप जानते हैं कि ट्रूली भी एक क्या है, वर्ड है आपका, तो ट्रू हो जाएगा। अ ट्रू फ्रेंड, तो अ ट्रू फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट। एक हमारा सच्चा मित्र क्या होता है, ईमानदार होता है। फिर से देखिए फुल स्टॉप के बाद आ, एक डैश इज नॉट, अ क्या नॉट, फोर्थ क्वेश्चन पे आएगा बी फ्रेंड। किसी भी नाउन या किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर बी ऐड हो तो ये वर्ब बन जाता है। मित्र बनाना, मित्रता होना यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आ आया है तो आ के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नाउन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए बी फ्रेंड हमारा नहीं होगा, फ्रेंडली एडवर्ब है, यहाँ ये भी नहीं होगा। यहाँ एक सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट हमारा देखिए या तो फ्रेंड होगा या तो फ्रेंडशिप होगा। अब आगे पढ़िए बात क्या कर रहा है कि अ फ्रेंड इज नॉट डैश टू गिव एन ऑनेस्ट या अ फ्रेंडशिप इज नॉट टू। तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन की बात कर रहा है, ना कि किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात कर रहा है। तो मित्रता ना कि नहीं मित्र, तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड हो जाएगा ना कि फ्रेंडशिप। तो यानी कि एक फ्रेंड हमारा क्या नहीं करता है, डैश तो फिफ्थ पे आइएगा, फियर अ फ्रेंड फाइट और फेवर। देखिए यहाँ के अगर आप फ्रेंडशिप कर देते तो यहाँ किसी पर्सन की जरूरत है, और फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की जरूरत है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ नहीं काम करेगा। तो अ फ्रेंड इज नॉट क्या नहीं करता है, टू गिव एन ऑनेस्ट, है ना, क्या नहीं करता है, डरता नहीं है, अफ्रेड फियर फाइट और फीवर और अफ्रेड। देखिए यहाँ फियर मतलब होता है डर से कांपना, अफ्रेड मतलब होता है फीलिंग मतलब भयभीत होना, फाइट जानते हैं द्वंद्व युद्ध को कहते हैं फाइट डुअल, फीवर तो आप जानते हैं बुखार, तो यहाँ क्या नहीं हो सकता, फियर नहीं हो सकता, फ्राइट नहीं हो सकता और फेवर नहीं हो सकता। यहाँ पे अफ्रेड सही है, अफ्रेड मतलब होता है भयभीत होना, चिंतित होना। तो एक जो है अच्छा मित्र, सच्चा मित्र ईमानदारी से नहीं डरता, ईमानदारी से भयभीत नहीं होता। सिक्स देखिए ऑनेस्ट सिक्स, एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग। सिक्स देखिए ओपिनियन कंसर्न डोमिनियन और सजेशन। ऑनेस्ट कंसर्न मतलब होता है, कहते हैं ना एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है सवाल होना, जैसे आप कहते हैं ना जहाँ तक पैसे का सवाल है, जहाँ तक पर्टिकुलर किसी थिंग्स का सवाल है, एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न, एज फार एज मनी इज कंसर्न, तो यहाँ पे कंसर्न नहीं होगा, कंसर्न नहीं होगा। डोमिनियन मतलब होता है कि किसी के आश्रित काम करना, अपना कोई नियम कानून ना हो उसको डोमिनियन कहते हैं, है ना, आपने डोमिनियन स्टेट सुना होगा, ये भी गलत हो गया। सजेशन और ओपिनियन में ही कोई एक हो सकता है, तो देखिएगा ऑनेस्ट ओपिनियन ऑनेस्ट सजेशन, तो सजेशन मतलब सुझाव देना होता है, और सुझाव आप माने या ना माने, लेकिन यहाँ ओपिनियन ऑनेस्ट ओपिनियन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओपिनियन मतलब होता है सलाह या राय, सजेशन भी हो सकता है, लेकिन कौन सा सुटेबल ज्यादा होगा, तो ओपिनियन मतलब राय या सजेशन को भी आप कह सकते हैं, तो यह ओपिनियन हो जाएगा। मतलब एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने से एक सच्चा मित्र नहीं डरता, हाँ में हाँ ही नहीं मिलाता है, ना में भी बात करता है। तो ऑनेस्ट ओपिनियन एंड डज नॉट से थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग। तो एक अच्छा मित्र सच्चा मित्र डरता नहीं है ईमानदारी से राय देने में, हाँ में हाँ मिलाने में, और वह चीजों को प्राप्त करने के लिए ही कार्य नहीं करता, गवाने के लिए भी कार्य करता है। यहाँ तक आपका कन्फर्म हुआ। अब देखिए डैश और उसके बाद एक नया डैश के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, एक कैपिटल लिखा है,
इसका मीन्स जो भी हमें मीनिंग निकालना है पिछले सेंटेंसेस से ही निकालना है। तो सेवंथ ऑप्शन को देखिए, अप्रूवल अपीयर अप्रूवल डिसअप्रूवल कह रहा है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग, अपीयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ वर्ब की जरूरत है, बिल्कुल गलत, यहाँ नाउन चाहिए। आप कहते हो ना आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम गेटिंग योर सिचुएशन, आई एम गेटिंग योर आंसर, आई एम गेटिंग यू, तो यहाँ वर्ब की आवश्यकता नहीं है गेट के बाद, क्योंकि गेट ही तो वर्ब है, इसलिए यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा, अप्रूव मतलब भी एक वर्ब है। डिसअप्रूवल तो यहाँ पे देखिए गेटिंग डिसअप्रूवल ये भी गलत है, पॉजिटिव सेंस में आंसर देना है, अप्रूवल हो जाएगा मतलब क्या, अप्रूवल पाने के लिए ही वो कोई कार्य को नहीं करता है कि हाँ आप सहमति दे दो, आप सहमति नहीं भी दोगे तो भी एक सच्चा मित्र सही राय देगा। आई होप आपको यहाँ तक कंफर्म हुआ होगा। तो आगे देखिएगा, अ फ्रेंड प्रोवाइड्स, एक मित्र प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, कंपेनियनशिप मतलब संगत, एंड कंटिन्यूअस और लगातार वो आपके साथ रहता है, आपको निरंतरता प्रदान करता है। फिर से देखिए यहीं पे ए से लेकर के और कंटिन्यूअस तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस आया है, कह रहा है देयर इज नो रूम फॉर प्राइड, कहते ना यहाँ इस चीज की कोई जगह नहीं है, तो देयर इज नो रूम का मतलब यहाँ रूम से नहीं सेंस है, यहाँ सेंस है पर्टिकुलर, आप कहते हैं ना कि यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए नो रूम यूज होता है, रूम वर्ड रूम का सेंस नहीं देगा यहाँ। देयर इज नो रूम फॉर प्राइड, प्राइड मतलब अभिमान या घमंड। ऑप्शन देखिए, सपोर्ट सपोर्टिव सप्रेस और प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, सप्रेस मतलब होता है दबाना, सपोर्टिव मतलब होता है आप जानते ही हो कि कहते हैं सपोर्टिव आइडियाज है मतलब अच्छे आइडियाज पॉजिटिव, सपोर्ट तो यहाँ जरूरत किस चीज की है, कंटिन्यूअस क्या करता है, यहाँ पे द में डिग्निटी कैपिटल है, इसका मतलब हमको यहीं पे समझना है कंटिन्यूअस, सपोर्टिव गलत हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस एक क्या है एडजेक्टिव है तो एक नाउन की आवश्यकता है, तो यहाँ सप्रेस कंटिन्यूअसली दबाता है गलत, कंटिन्यूअस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है वर्ब नहीं सपोर्ट देता है, तो कंपेनियनशिप करता है यानी संगत प्रदान करता है और क्या करता है कंटिन्यूअस सपोर्ट करता है, कहीं पे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको भी कंफर्म हो गया होगा। और आगे बढ़िए, देयर इज नो रूम फॉर प्राइड कॉमा, प्राइड यानी घमंड अभिमान की जगह नहीं है, और किस चीज की जगह नहीं है, जीलस जेड ई ए एल ओ यू एस का मतलब होता है उत्साही, उत्साह से भरा हुआ, और जे ई ए एल ओ यू एस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या से भरा हुआ। और ऑप्शन देखिए, ऑनर सम्मान और ओपन माइंडनेस खुलेपन, अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑनर की आवश्यकता तो है, ओपन माइंडनेस की भी आवश्यकता है, जीलस की भी आवश्यकता है, लेकिन आपके सेंटेंस में कह रहा है इस चीज की जरूरत नहीं है, इस चीज का स्थान नहीं है, तो प्राइड और ईर्ष्या की जगह नहीं है, तो आई होप आप भी कंफर्म हुए होंगे प्राइड और ईर्ष्या की जगह नहीं है। फिर कह रहा है ओ आर आर अथवा रिवेलरी इन, रिवेलरी मतलब होता है विरोध या प्रतिस्पर्धा, जैसा कि मैंने लिख रखा है। तो अब ऑप्शन पकड़िए टेंथ में, टेंथ वाला ऑप्शन, फ्रेंडशिप फ्रेंडली बी फ्रेंड और कोर्टशिप, तो क्या नहीं हो सकता, देखिए कोर्टशिप नहीं होगा, बी फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंडली भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एडवर्ब नहीं, यहाँ एक अच्छे नाउन की जरूरत है कि फ्रेंडशिप में क्या है, किसके किसकी आवश्यकता नहीं है, घमंड की आवश्यकता नहीं है, ईर्ष्या की आवश्यकता नहीं है, और किस चीज की आवश्यकता नहीं है, रिवेलरी इन फ्रेंडशिप में विरोध या प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, तो विरोध की आवश्यकता नहीं है, प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है एक फ्रेंड के बीच में, तो इन किस में, फ्रेंडली में गलत, बी फ्रेंड में गलत, कोर्टशिप में गलत, फ्रेंडशिप में हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप में विरोध की प्रतिस्पर्धा की घमंड की ईर्ष्या की आवश्यकता नहीं होती है,
आई होप आप भी मेरे साथ कंटिन्यूअसली सॉल्व किए होंगे, आपको भी कॉन्फिडेंस आया होगा, इजी गोइंग आप जा रहे हैं और आप भी समझे होंगे कि प्रैक्टिस से ही ये टॉपिक कंफर्म होगा। हम लोग 1 to 5 क्वेश्चन की एक और क्लोज पैसेज को देखेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। अब हम लोग दूसरा वाला पैसेज देखेंगे जिसको हम लोग 5 क्वेश्चन से कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है टेनिस इज अ गेम। आपने पहले वर्ड में ही अंदाजा लगा लिया कि लगता है किसी गेम की बात हुई है, बिल्कुल सही। पैसेज में जो जिसके बारे में पैसेज को कहे उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तब भी आंसर करने में बहुत इजी हो जाता है। कह रहा है टेनिस इज अ गेम, टेनिस एक गेम है, दैट गिव्स जो प्रदान करता है वन मतलब क्या, एक नहीं किसी को भी, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब बहुत सारा अभ्यास प्रदान करता है टेनिस में। इट डेवलप्स या विकसित करता है किसको, डैश। अब ऑप्शन को पढ़िएगा, मूवमेंट, स्विफ्टनेस और क्विकनेस और एजिलिटी। तो देखिए स्विफ्टनेस मतलब होता है स्विफ्ट मतलब तीव्र होता है, तीव्रता। एजाइल मतलब होता है फुर्ति या स्फूर्ति से भरा हुआ, तो स्फूर्ति और फुर्ति प्रदान करता है, विकसित करता है। क्विकनेस मतलब जल्दबाजी और मूवमेंट मतलब होता है गतिमान होना या गति करना। तो ये किसको विकसित करता है, मूवमेंट्स को विकसित करता है, गतिमान होना। स्विफ्टनेस तीव्रता को विकसित करता है, जल्दबाजी को और फुर्ति को विकसित करता है। तो यहाँ पे देखिए प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास की बात हुई है ना, तो अभ्यास की जब बात हुई है तो ये इट डेवलप्स डैश ऑफ आई, आई के स्विफ्टनेस को, आई के क्विकनेस को, आई के एजिलिटी को या आई के मूवमेंट को, तो आई के मूवमेंट को ये विकसित करता है, तो हमारा हो जाएगा मूवमेंट। ठीक, फिर कह रहा है एंड लिम्ब एंड डैश द ब्रेन इन टू द ब्रेन टू इन टू। अब कह रहा है कि आई और लिम्ब के मूवमेंट्स को विकसित करता है। फिर दूसरा देखिए कमांड्स, आस्क्स, सिग्नल्स एंड कॉल्स। तो दिमाग ब्रेन आया है ना, तो दिमाग के दिमाग से पूछता है, दिमाग को आदेश देता है, दिमाग को बुलाता है या दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपको पता है कि जब ये मूवमेंट को विकसित करता है आंखों के और लिम्ब के, तो ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अब हमें कौन से आइडिया को अपनाना है, कौन सा एक्टिविटीज हमें करना है कि हम आगे रहें। तो हो जाएगा दिमाग को सिग्नल प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए रिस्पॉन्स। आगे यहाँ तक हो गया कम्प्लीटली। टू इन टू यानी दिमाग को हमारे सिग्नल प्रदान करता है। अ फ्यू सेट्स ऑफ टेनिस कीप वन फिजिकली मतलब बहुत सारे ऐसे टेनिस के खेल हैं जो फिजिकली यानी शारीरिक रूप से एंड डैश फिट व्यक्ति को क्या रखते हैं। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये हमारा चौथा है। तो चौथे में देखिए इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और मेंटली और लॉजिकली। तो हमारे शरीर को देखिए इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक रूप से, इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, लॉजिकली मतलब तार्किक रूप से। तो टेनिस में आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, तर आपको मेंटली मतलब मानसिक रूप से हमें क्या करते हैं, ये फिट रखते हैं। तो हमारा मेंटली करेक्ट होगा। ये वाला तीसरा वाला देखिएगा ब्रेन टू इन टू रिस्पॉन्स प्ले वर्क और एक्शन। तो ये हमारे दिमाग को सिग्नल प्रदान करता है और उस सिग्नल से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, प्ले करेंगे, वर्क करेंगे, एक्शन करेंगे। तो इनटू एक्शन मतलब क्रियाकलाप, एक्शन मतलब यहाँ मीनिंग निकल रहा है क्रियाकलाप करने के लिए हमारे दिमाग को ये सिग्नल प्रदान करता है। तो हमारा एक्शन सही होगा। इसके बाद अ फ्यू सेट्स ऑफ टेनिस कीप वन फिजिकली मतलब किसी को भी शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करता है, फिट रखता है। बट लेकिन फॉर द इंडोर्स, टेनिस क्या है, आउटडोर गेम है। इंडोर्स मतलब अब यहाँ पे देखिए गेम का जिक्र नहीं है, लेकिन इंडोर्स मतलब ही घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उसको इंडोर्स कहते हैं। आउटडोर्स मतलब बाहर खेले जाने वाले खेल है ना, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैट,
है ना, बैडमिंटन, टेनिस, बहुत सारे आप कर सकते हैं। इंडोर्स चेस, घर के अंदर खेले जाने वाला गेम क्या है? चेस है। इन द क्वीन ऑफ गेम्स, ये क्या है? क्वीन ऑफ गेम्स, गेम्स की रानी मानी जाती है चेस। पीपल से, लोग कहते हैं चेस इन अ, यानी कि शतरंज में एक क्या होता है, देखिएगा, सेल्फिश गेम है। मीन मतलब होता है नीच या गिरा हुआ। केयर फ्री मतलब बेख्याली से खेलना। केयरलेस मतलब भी होता है बेख्याली से खेलना। सेल्फिश, तो चेस कौन सा गेम होता है? चेस सेल्फिश गेम होता है, आपको पता है, क्योंकि चेस में अगर आप सेल्फिश नहीं बनेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए हमारा सेल्फिश आंसर करेक्ट होता है। करा चेस इन द क्वीन ऑफ गेम्स, पीपुल से चेस इन अ, चेस इन अ नहीं, हाँ चेस इज अ होना चाहिए था। चेस इज अ सेल्फिश गेम बिकॉज, क्योंकि ओनली टू कैन प्ले, कोई दो लोग ही खेल सकते हैं, तो अगर एक दूसरे की परवाह करेंगे तो कैसे जीतेंगे, इसलिए सेल्फिश होकर के खेलेंगे तभी जीतेंगे। आई होप आपको भी समझ आया होगा। तो ये वाला क्लोज पैसेज बहुत ही इजी था। ऐसे ही मैंने आपको देखिए पिछले क्लास में दो पैसेज कराए, इसमें भी दो पैसेज कराए। अब आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह से आप तर्क लगाते हुए अपने ऑप्शंस को करेक्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।